आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय रणबीर, ग्रेट मूवी, पावर ऑफ सिनेमा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं एक्चुअली। मैं बोलता हूं अभी मैं कुछ मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकता। 3 स्टार है। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक मी। एनिमल कैसी लगी मूवी? बहुत खतरनाक है। रणबीर की एंट्री कैसी थी? हीरो जैसी। विलन की एंट्री तो बहुत खतरनाक, और अपना जो रणवीर कपूर सर है उनकी तो बहुत खतरनाक एंट्री थी वो, बहुत ज़्यादा। और अभी तो एनिमल पार्क 2 भी आने वाला है, एनिमल पार्क विजिट सून। किसका नाम अच्छा लगा सर? कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? एनिमल। कैसी लगी? ऑसम। रणवीर की एंट्री कैसी थी? एक नंबर। बॉन्डिंग कैसा था? किसका काम अच्छा लगा? मतलब मेरे को तो सबका ही काम अच्छा लगा। रणवीर कपूर का बहुत माइंड ब्लोइंग था, और बॉबी देओल की एंट्री थी पर उनको यूज नहीं किया उन्होंने प्रॉपर, बॉबी देओल को। अनिल कपूर ऑसम। अनिल कपूर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं एक्चुअली। मैं बोलता हूँ अभी मैं कुछ मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मतलब लोगों से कहूँगा कि देखो आप पिक्चर, ऑसम है, माइंड ब्लोइंग। अनिल कपूर का अच्छा था, अच्छा था। सॉन्ग्स मेरे को इतने अच्छे नहीं लगे, बट एक पंजाबी सॉन्ग था और एक फादर वाला, वो ऑसम था। ऑसम एक नंबर में मूवी बोल रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग मूवी। Outstanding, outstanding performance by Ranbir. Great movie, power of cinema. Thank you. किसका काम अच्छा लगा? Everyone, Ranbir, Rashmika, Anil sir, Bobby, everyone was great. Action कैसा? Out of mind. सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। पैसा वसूल तो पूरा सिनेमा है। 3 घंटा 21 मिनट पूरा वर्थ, पूरा पैसा वसूल सिनेमा। Great, great. Thank you. Direction, action. डायरेक्शन बहुत बढ़िया था संदीप रेड्डी वांगा का, जैसे हमने उन्हें 2 मूवीज़ देखे हमने उनके, और ये जो सबको ले और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो आप जब देखोगे, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। 4.5। एंट्री भी बहुत अच्छी थी और फुल ऑफ एंटरटेनिंग मूवी है, और सबसे अच्छा इसका म्यूजिक, स्टोरी भी बहुत अच्छी, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। पैसा वसूल बिल्कुल भी नहीं। हाँ लेकिन बहुत बहुत लेंथी मूवी है, तो फिर भी बहुत कहीं भी बोर नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। किसका काम अच्छा लगा? रश्मिका, अनिल का, ऑब्वियसली रणबीर कपूर। एनिमल कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छी लगी। काम अच्छा लगा? ऑब्वियसली रणबीर कपूर का। रणबीर कपूर का एंट्री कैसा था? एंट्री वाज ओके, मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, बिकॉज जो टाइटल एनिमल था तो उसके हिसाब से मेरे को वायलेंस और वो देखना था। फर्स्ट हाफ वॉज गुड क्योंकि उसमें वायलेंस दिखाया था। आई हैव सीन इन कोरियन स्टाइल वो कॉरिडोर वाला वायलेंस, वो देखकर बहुत अच्छा लगा। यस यस यस, हाँ खेल। सर कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? एनिमल। कैसी लगी एनिमल? एनिमल देख के तो हम लोग एनिमल बन गए। ऐसी मूवी है, तगड़ी मूवी एकदम, मतलब बहुत अच्छा है एक्टिंग और एक्शन, हर चीज़ बहुत अच्छा है। हीरो की एंट्री कैसी लगी आप? हीरो की एंट्री तो है नॉर्मल, लेकिन हीरो ही एकदम हार्ड है। काफ़ी एक्शन है मूवी में। काफ़ी एक्शन है, इंगेज मूवी है, इंगेज करके रखेगी आपको और अच्छा लगेगा, हर चीज़ आपको देखने अच्छा लगेगा। सस्पेंस हर सीन में ट्विस्ट एंड टर्न है, मतलब आप बोर ही नहीं होंगे कहीं, कंटिन्यू देखते रहेंगे। गाने वाने सब अच्छे हैं और एक्शन भी अच्छा है, और बॉबी देओल और रणवीर का जो फाइट है वो तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छी है। एनिमल कैसी लगी? ठीक, अच्छी फिल्म है। मुझे रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। रणबीर कपूर का एक्टिंग बहुत तगड़ी एक्टिंग है। एक्शन कैसा लगा? बहुत भयानक है, और इट्स टू वायलेंस कंप्लीट द मूवी एक्चुअली। यू कांट लाइक यू कांट गेटिंग योर किड्स और वाइफ टुगेदर टू सी द मूवी एक्चुअली। अनिल कपूर तो बहुत, मतलब लाइक यू ऑलरेडी नो दैट कि सन एंड फादर इन सन का बॉन्डिंग है। सो अनिल कपूर इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ द मूवी। सो बेसिकली यू आर लुकिंग, इफ यू गोइंग टू गो सी द मूवी देन आफ्टर यू गोइंग टू लुक एट रणबीर कपूर ना, रणबीर कपूर स्पेशल थिंग। रश्मिका और नहीं अच्छी, केमिस्ट्री भी अच्छी, बहुत अच्छी फिल्म है। 3 स्टार है। 3 स्टार भाई, मूवी ठीक ठाक थी, जिस तरह इसका हाइप बनाया था उस लेवल पे तो आधी भी नहीं पहुंची मूवी ये। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक मी, तो वायलेंस लाइक रणबीर एक्चुअली। तो फिल्म में उनकी बाइक पे यार एंट्री होती है, और हर फिल्म में अगर बाइक पे हीरो की एंट्री हो तो वाह वाह क्या बात है। तो बड़ा मज़ा आया मतलब फिल्म के अंदर में, और उसके बाद से फिर हम लोग है ना फिल्म सारा थिएटर ही साइलेंट होकर फिल्म देख रहा था, क्योंकि एक एक डायलॉग बहुत ही अच्छे थे। खासकर मैंने माता पिता सॉरी फैमिली में से पापा के साथ का कनेक्शन बहुत अच्छा दिखाया। मैं भी अपने पापा को बहुत प्यार करता हूँ, और अगर
आपकी तरफ कोई आंख उठाएगा तो साला हम भी उसकी आंखें छीन लेंगे, खूनम खून कर देंगे। तो वो ये डायलॉग था, अगर फिल्म में देखेंगे ना का मतलब मालूम पड़ जाएगा कि वो किस चीज़ के लिए है। सर मूवी देखिए, एनिमल मूवी फुल। मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो मुझे छोड़ना नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेलर फाड़ू था मूवी उतना ही फाड़ू है, ठीक है। और स्टार्ट टू एंड रणवीर कपूर का स्टार्ट टू एंड फुल्ली सेम कैरेक्टर, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि लो है, अप है, डाउन है, कंटिन्यूसली उन्होंने सेम कैरेक्टर निभाया। और बॉबी देओल का तो आई थिंक आधे से मतलब स्टार्ट एंड में उनका कैरेक्टर बताया गया। अगर थोड़ा और पहले से बताते तो उनको और जान सकते थे विलन के कैरेक्टर में, बट उनका स्टार्ट एंड में था तो इतना कुछ परफॉर्मेंस उनका पावरफुल नहीं लगा। सबसे ज़्यादा पावरफुल मुझे रणवीर कपूर का ही लगा है। और उस एंट्री फाड़ू एंट्री, जो उनका लुक जो है ना पावरफुल था, पावरफुल लुक, उनका लॉन्ग हेयर सबसे फाड़ू था।